आते ही आपको दिखाएंगे कि जो पात्र थे उन्हें अपात्र और अपात्र जो थे उन्हें पात्र बनाया गया। आखिर ये खेला क्या है? आपको अब हकीकत ये भी दिखाएंगे कि जिसे मिलना चाहिए था सरकारी आवास का लाभ उसे नहीं मिला। अब उसी के बीच में हमारे साथ में ग्राम पंचायत मित्र जो हैं इनके साथ में हम घर में चलेंगे। क्या परमिशन है, क्या अंतर चल रही है? ये हाँ है, ये टिंकू सूबेदार जी जी हाँ भाई, इनसे पूछने के बाद हम घर में एंट्री करेंगे, उसके बाद हम दिखाएंगे आपको कि क्या इन्हें सरकारी आवास मिलना चाहिए था या नहीं मिलना चाहिए था। वही कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार इन दृश्यों को दिखाएं, अंदर आएं और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि वास्तविकता क्या है। हालांकि हमने गांव में देखा कि किसी सरकारी आवास जो पास कर दिया गया वो कहीं और बना कहीं और। हालांकि जो दो दो घर थे, जो लोग पात्र किए गए वो दो लोग थे जिनका कहीं पर घर बना तो कहीं और रहने वाले सिर्फ परिवार एक, घर दो दो, ऐसा क्यों? और वहीं दूसरी तरफ जो पात्र होना चाहिए था जिन्हें आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, छप्पर और कच्चे मकान के अंदर रहना, छप्पर डालकर और जिस तरीके से जो त्रिपाल डालकर जो यहाँ पर लोग परिवार अपना गुजर बसर कर रहा है, और जिस तरीके से अगर कहने की बात कही जाए कि यहाँ पर कोई फर्जी तरीके से नहीं, वहीं हम आपको दिखाएंगे ये चूल्हा भी दिखाएंगे जिसका ये प्रतीक है कि यहाँ पर खाना बनता और परिवार भी रहता है। सबसे बड़ी आपको पहचान दिखा रहे हैं हम आपकी कि यहाँ पर किसी भी फर्जी तरीके से कोई भी बात नहीं है।